सो हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर राजपूत एंड वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। सो फाइनली मैंने व्लॉगिंग के लिए एक सेपरेट चैनल बना ही लिया, क्योंकि इससे पहले मैंने सिर्फ चार ही व्लॉग्स अपलोड किए थे, जो किए थे मैंने मिस्टर राजपूत चैनल पर, जो मेरा सबसे पहला चैनल था। बट वहां पर मुझे कई लोगों ने कहा कि आई शुड मेक अ सेपरेट चैनल फॉर माई व्लॉग्स। सो हियर आई एम विद माई सेपरेट चैनल ऑफ व्लॉग एंड इस चैनल का नाम है मिस्टर राजपूत व्लॉग्स, और यहाँ पर मैं अपने सिर्फ व्लॉग्स ही अपलोड करूंगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई व्लॉगिंग जर्नी। सो बेसिकली मैंने 20 अक्टूबर से ही डेली व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर दी थी, मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करी थी नेक्स्ट ईयर 9 मार्च 2021 से 9 मार्च 2022 तक, यानी कि पूरा एक साल 365 दिन। तो पूरे 365 दिन मैंने व्लॉगिंग करी, लेकिन उस वक्त पूरे करने के बाद मैं 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं कर पाया, ना ही मेरा चैनल उस वक्त मोनेटाइज हुआ था, क्योंकि इतनी पूरी साल मेहनत करने के बाद भी हमारा क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे कि यूट्यूब का एल्गोरिथम आपको पता है काम करता है। बट हमारी जर्नी काफ़ी मज़ेदार रही, हम पूरा घूमे, बहुत मज़े किए हमने पूरा साल। इतना मैं पूरी लाइफ में नहीं घूमा जितना मैंने 2021 में ही अपने डेली व्लॉगिंग के दौरान घूम लिया। सिर्फ लोकली नहीं, हम स्टेट लेवल पर भी बहुत जगह पर गए जहाँ पर हम घूमे, जैसे कि हमारा सबसे पहला ट्रिप था शिमला का। सेकेंड ट्रिप था धर्मशाला का। थर्ड ट्रिप था चितकुल का। फोर्थ ट्रिप था जीपी का। फिफ्थ ट्रिप था हेमकुंड एंड बद्रीनाथ। एंड सिक्स्थ एंड लास्ट ट्रिप था कश्मीर। अभी आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लास्ट ट्रिप क्यों बोला। वेल, तो कश्मीर मेरा लास्ट ट्रिप था, जो कि मैंने 2022 में सितंबर में किया था, एंड उसके बाद मैं कहीं भी नहीं गया, पूरे 2 साल हो गए हैं। अभी सितंबर महीना दोबारा आ चुका है, तो
अभी मैंने एक भी ट्रिप उसके बाद नहीं किया, पूरे 2 साल हो गए। सो वो मेरा लास्ट ट्रिप था कश्मीर का, एंड अभी भी फ़िलहाल मेरा कोई भी प्लान नहीं है कहीं भी ट्रिप करने का, बट अभी मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि पूरे 2 साल हो चुके हैं मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल पर कुछ खास पोस्ट नहीं किया। इन 2 सालों में सिर्फ और सिर्फ मैंने 12 या 13 व्लॉग इसके अराउंड ही मैंने पोस्ट करे थे, इसके अलावा कुछ नहीं किया। बट अभी मैं अपने चैनल पर रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने चैनल का पूरा बायोडाटा ही चेंज कर दिया, उसका नाम, प्रोफाइल, कवर पिक सब कुछ, और कंटेंट में भी मैं थोड़ा चेंजेस लाऊंगा जिसमें मैं थोड़ा बहुत तो कर ही चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन बाकी भी करूँगा। अभी व्लॉग्स भी मेरे पहले जैसे थे वैसे नहीं आएंगे, ये बिल्कुल नए स्टाइल से आएंगे। सो बेसिकली दिस इज़ आप कह सकते हैं कि नया जन्म है मेरे चैनल का, तो लेट्स होप कि इस बार मैं सक्सेसफुल हूँ। एंड हाँ, एक और ज़रूरी बात मैं जो बताने भूलूंगा कि मेरा अभी व्लॉगिंग चैनल मोनेटाइज्ड है, इसे मैंने मोनेटाइज करवा लिया था फाइनली 3 साल बाद। लेट्स होप कि हम बहुत ही जल्द एक नई ट्रिप प्लान करें और वहाँ पर जाएं। और पता है नाम चेंज करने और कवर पिक बनाने में मुझे कितनी सर खपाई करनी पड़ी, लेट मी शो यू। सो अभी मेरे चैनल का नाम है मिस्टर राजपूत व्लॉग्स, तो मैं इसे रीनेम कर रहा हूँ एंड रीनेम करके मैं नाम रख रहा हूँ रुद्रा राजपूत। सो अभी से ये मेरे चैनल का नाम होगा। सो क्योंकि अभी मैंने नाम चेंज कर लिया तो मुझे हैंडल भी चेंज करना होगा जो कि मेरे नाम से ही रिलेटेड हो। सो मैं हैंडल का नाम भी रखने जा रहा हूँ रुद्रा राजपूत, और ऑब्वियसली बात है कि मुझे रुद्रा राजपूत हैंडल मिलेगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों ने इसके नाम के ऊपर हैंडल बना रखे होंगे, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। सो डिफरेंट करने के लिए मैं इसमें डाल दूंगा AAA, एंड इसी के साथ मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी चेंज कर दिया। ये पहले वाला डिस्क्रिप्शन 2020 से चला रहा था क्योंकि तब मैं मीम्स अपलोड करता था, एंड सिंस अभी मैं इसमें कुछ भी पोस्ट कर देता हूँ जैसे अपनी रील्स हो गई, शॉर्ट्स हो गए एंड हर तरह की वीडियोस एंड व्लॉग्स, तो आई एम गोना नेम इट आई एम पोस्ट रैंडम शिट, एंड शिट को सेंसर करना पड़ेगा एंड ये कर दिया पब्लिश एंड वेरीफाई करना पड़ेगा, एंड वेरीफाई करने के बाद अभी ये मेरा नाम है। सो अभी इसे रीलोड करना बाकी है, एंड ये हुआ रुद्र राजपूत। एंड रुद्र राजपूत नाम मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी इस नाम से बनाया है और उसके ऊपर मेरे 1400 फॉलोवर्स होने वाले हैं और रील्स को मिलियंस में व्यूज़ हैं। तो अभी मैंने इसकी DP भी चेंज कर दी है, अब ऊपर भी फ्री फ्रेश हो जाएगी एक आधे मिनट में। और अभी बारी है कवर पिक चेंज करने की, एंड ये कवर पिक अभी मैं बना रहा हूँ, और सिंस ये मेरा ट्रैवल एंड व्लॉगिंग चैनल है तो उससे रिलेटेड ही एलिमेंट्स मुझे इसमें रखने होंगे, और इसके लिए बहुत सी खपाई करनी पड़ती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कम से कम मुझे 20 से 25 मिनट लगे अपने सही तरह के टेम्पलेट जो मुझे सेटिस्फाई लगे अपने चैनल के लिए उसे बनाने के लिए, कम से कम 15 से 20 मिनट तो मुझे लग ही गए। और इतनी सर खपाई करने के बाद मुझे फाइनली एक वर्दी टेम्पलेट मिला जो मैं अपनी कवर पिक के अंदर यूज़ कर सकता था। तो अभी उसे एडजस्ट किया मैंने यहाँ पर लाकर, और एडजस्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग गया, तो कई टेम्पलेट्स मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने दोबारा से डाउनलोड करे गूगल से जाकर और उन्हें PNG बनाकर फिर इसमें इंक्लूड करा और सारी तरह के पंगे लेकर, और फिर अगेन 15-20 मिनट लगाकर मैंने इस कवर पिक को अगेन रेडी किया। एंड अब बारी है इसे टेस्ट करने की, और टेस्ट करने के बाद पता चला कि मैंने अभी इस बार को थोड़ा पतला रख दिया, ऊपर ब्लू बार जो है दिखाई दे रही है इसमें। सो अभी मुझे अगेन पूरी कवर पिक दोबारा एडिट करनी पड़ेगी। एज आई सेड, ये कोई आराम का मामला नहीं है और ये बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो इस पूरी कवर पिक को मुझे दोबारा एडिट करना पड़ा, सभी एलिमेंट्स को रिप्लेस करना पड़ा, और उसके बाद मैंने इस बार को बड़ा बना दिया और चौड़ा भी, और उसके बाद एलिमेंट्स को मैंने स्विच किया एक दूसरे की साइड से, और उसके बाद मैंने और भी कई सारे चेंजेस करे इसमें जिसमें मुझे लगभग अगेन 15 से 20 मिनट लग गए, और काफ़ी ज़्यादा मशक्कत के बाद फाइनली मुझे एक फाइनल डिज़ाइन मिल ही गया, एंड अभी ये कुछ ऐसा दिखेगा। सो अभी ठीक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी इसमें एक चीज़ है कि इसमें मेरे चैनल का कोई भी लोगो नहीं है, कोई भी आइकॉन नहीं है जिससे पता चले कि ये मेरी ही कवर पिक है, मैंने गूगल से डाउनलोड नहीं करी, तो इसके लिए मुझे अगेन फिर से नए कवर पिक बनानी पड़ेगी, ये बात मुझे बनाने के बाद पता चली। तो अभी ये कुछ ऐसा लग रहा है हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन अभी भी कमी है तो थोड़े से टेम्पलेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगेन मैंने एक करेक्ट फॉर्म के साथ सभी टेम्पलेट्स के अंदर स्पेस देकर एक दोबारा से कवर पिक रेडी करी और फिर देखा कि ये प्रॉपर लग बैठती है मेरे चैनल के ऊपर या नहीं। सो ये कुछ इस तरह से लगती है। सो ये थी पहली कवर पिक, एंड इसके बाद चेंज करके अभी जो मैंने नई बनाई है वो कुछ इस तरह लगती है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी कमी है। सो जैसे कि मैंने बताया कि लोगों की कमी है, तो ये हटा के जिसे मैंने ढूंढने के लिए 10 मिनट लगाए, अब मैंने अपना लोगो बनाया है रुद्र राजपूत व्लॉग्स के नाम से, तो ये वाला यहाँ पे काफ़ी सूट करेगा और पता भी चलेगा कि मेरे चैनल की कवर पिक है जो मैंने ही बनाई है। सो इसे मैं सेंटर में रखूंगा ताकि ये हर जगह सेंटर में शो हो तीनों डिवाइसेस के अंदर। और अभी से बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जो व्लॉग्स वाला टेक्स्ट है वो ऑरेंज कलर में ही बना दिया, एंड मेरी जो बैकग्राउंड है वो भी ऑरेंज कलर की है, सो ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं हो रहा प्रॉपरली, और मुझे अभी दोबारा बनाना पड़ेगा। सो मैंने अगेन इसे रेड कलर में कन्वर्ट किया और उसके बाद दोबारा इसे रीसेलेक्ट करके उसके साथ मैंने इसे रिप्लेस करा, एंड अभी रिजल्ट कुछ इस तरह है। सी
सो अभी ये प्रॉपरली इसके बाद दिखेगा। तो अभी ये प्रॉपरली आ चुका है इस डिवाइस के अंदर और ये आएगा कंप्यूटर डिवाइस से, ऐसे शो होगा और ऐसे शो होगा टीवी पे। सो तीनों ही साइड में प्रॉपरली शो हो रहा है, मतलब कि हमारी कवर पिक रेडी है। लगभग 2.5-3 घंटे लग गए मुझे इतना काम करने के लिए ही, बीच में एक दो ब्रेक भी ली थी। सो प्रॉपरली अभी हमारा रेडी है कवर पिक और उसे मैं पब्लिश कर दूंगा अभी। सो लो जी, हमारे चैनल का नाम भी चेंज हो गया, रुद्रा राजपूत, कवर पिक भी चेंज होगी, प्रोफाइल पिक भी चेंज होगी एंड अभी हमारा चैनल कम्प्लीटली न्यू बन चुका है नए कंटेंट के साथ, जो कि मैं आगे पोस्ट करूंगा। वेल, तो हमने सब कुछ चेंज तो कर लिया अभी। सो अभी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई यहाँ से और मैंने अभी पॉडकास्ट चैनल भी खोला। अगर आप में से कुछ लोगों को नहीं पता तो ये जो अभी करंटली मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मेरा स्टूडियो है और मैंने एक नया पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है। नया क्या, उसे एक्चुअली 8 महीने हो चुके हैं और उसमें हम पॉडकास्ट डालते हैं अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं उन्हें देखने के लिए और सुनने के लिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड अभी अपने पॉडकास्ट चैनल के कारण भी मैं अपने व्लॉगिंग को टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन अभी सिर्फ 2 ही चैनल है मेरे पास, व्लॉगिंग चैनल एंड पॉडकास्ट चैनल, एंड इन दोनों पर मैं पूरा फोकस करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि दिसंबर महीने तक मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ अपने इन चैनल्स पर। सो फिंगर क्रॉस्ड, और मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर।